आप इस केस नाल इन्ना लगाव सीगा या इंसाफ वास्ते इन्ने वो तीबर सीगे कि उन्होंने साडे दिल्ली पहुंचन तो पहले ही पटिशन तैयार कर ली सी, यानी कि जेडे सीसीटीवी फुटेज सीगी उसनू सारे नू उन्होंने कहा कि इसनू बिल्कुल तुसी सेफ करके रखना वा और एक स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के मोहरे फाइल करो 26 फरवरी तो पहला। केंद्र की सरकार अगर चाहती तो अपने आप एक न्यायिक जांच ऑर्डर कर सकती सी, जुडिशियल इनक्वायरी, वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अधिकार खेत्र में, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि बीजेपी तो बहुत जोरदार ढंग ना उठाया। आपां उहदे भोग ते भी गए रुद्रपुर पिछले दिनों में, और इहदे चंगी खबर यह आ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इहदे च नोटिस इशू करता वा। दोस्तों तुसी सारे जानते हो कि नवरीत कतलकांड का मामला आपां सब ने मिलकर बहुत जोरदार ढंग ना उठाया। आपां उहदे भोग ते भी गए रुद्रपुर पिछले दिनों में, और हुण उह एक इंसाफ मार्च रखिया जिहड़ा कि 13 तारीख नूं पिंड डिबडिबा तो चल के गाजीपुर बॉर्डर ते आवेगा। आपां सब ने उहदे विच भी हिस्सा लैणा परसों नूं 13 तारीख नूं। लेकिन इहदे दरम्यान एक चंगी खबर भी आ कि नवरीत का सारा जिहड़ा मामला सी, असी हरदीप सिंह जी डिबडिबा जिहड़े उहदे ग्रैंडफादर ने, असी सब ने मिलकर ते दिल्ली प्रशांत भूषण नाल सारी डिस्कशन करन तो बाद एक बहुत अच्छे एडवोकेट ने जिहड़े ह्यूमन राइट्स दा काम करदे ने, मैडम वरिंदा ग्रोवर, उन्होंने साडे दिल्ली पहुंचण तक ही बहुत उन्होंने आप इस केस नाल इन्ना लगाव सीगा या इंसाफ वास्ते इन्ने वो तीबर सीगे कि उन्होंने साडे दिल्ली पहुंचण तो पहले ही पटिशन तैयार कर ली सी। बहुत तेजी दे नाल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट विच ये जिहड़ी सी नवरीत कतलकांड की गोली कांड की जिहड़ा 26 जनवरी आईटीओ क्रॉसिंग ते वह मारिया गया सीगा, उसका उन्होंने पटिशन दायर करती सी दिल्ली के हाई कोर्ट च। और ये चंगी खबर यह आ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस इशू करता वा, और अगली तरीक जिहड़ी आ 26 फरवरी है, को बहुत लंबी डेट नहीं। ये उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि द कोर्ट हैज सॉर्ट ए डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट and directed preservation of CCTV footage and other documentary and electronic evidence, and has also directed that advance copy of the status report be served on the petitioner. yani ke jehde CCTV footage sigi usnu sare nu unna ne kya ke usnu bilkul tusi safe karke rakhna va, aur ek status report court de mohre file karo 26 February to pehla ke ode sara police dassegi ke उस दिन उस आईटीओ क्रॉसिंग ते की वातावरण सीगा, सीसीटीवी जिहड़े की कहिंदे ने, और उत्थे पुलिस का जिहड़ा एक वर्जन हैगा वह कोर्ट के सामने आ जाएगा। सो कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिता गया वा। हालांकि इहदे विच असूलन केंद्र की सरकार अगर चाहती तो अपने आप एक न्यायिक जांच ऑर्डर कर सकती सी, जुडिशियल इनक्वायरी, वह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अधिकार खेत्र में, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि बीजेपी तो आपां सारे जानते हैं कि किसानों के विरुद्ध चल रही है, बहुत सारे किसानों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, परचे दर्ज किए जा रहे हैं और लोगों को जेलों में छुट्टिया गया। पर इत्थे जिक्र करना जरूरी सीगा कि दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल अगर चाहता तो वह एक जुडिशियल इनक्वायरी न्यायिक जांच ऑर्डर कर सकते सी, और मैं उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और बहुत सारी गल मीडिया च भी उठी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी नवरीत कतलकांड कोई न्यायिक जांच नहीं ऑर्डर की। पर आप सब ने अपना फर्ज समझते हुए असी उसका जिहड़ा मामला वा हुण दिल्ली हाई कोर्ट विच लैके जा चुके हैं, और मैं समझदा कि 26 तरीक नूं चलो हले अगली सुनवाई होगी, हो सकता कुछ टाइम लग सकता वा, बट आई परसनली फील के इहदे विच अल्टीमेटली आपां सारे जिहड़े हैगे आ इस एक इंसाफ पसंदी दी लड़ाई विच एक कदम अगे पहुंच गए। इस दे नाल नाल ही मैं दोस्त सारयां नूं कहना चाहुंदा कि जिहड़ा विवाद उठिया होया ना, बहुत सारे लोगों नूं हुण फ्रेम कर रही है दिल्ली दी पुलिस। मेरे अपने नेफ्यू नूं एक नोटिस आया दिल्ली क्राइम ब्रांच वालों कि तुसी दिल्ली दे प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन विच पेश होके ते अपना आधार कार्ड लेके आओ, अपनी गड्डी दी आरसी लेके आओ। हालांकि वह एक बिल्कुल नौजवान बच्चा वा, बेरली 19-20-21 साल उहदी उम्र हैगी आ, उहदा उहदा जज्बे दे नाल उस किसान अंदोलन विच गया सीगा उस दिन। तां इदां दे पता नहीं किन्ने नोटिस होर लोगों नूं गए ने, बहुत वड्डे पद्धर ते FIR दर्ज करतीआं, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ,
जिस तरह लखा सिडाणा जुड़िया सी इदां दीप सिद्धू भी जुड़िया सी उस नूं भी पुलिस ने अरेस्ट किया। सारे देखा और किदां साडे सिरां दा मुल रखा जा रहा यह मैं समझदा कि एक बड़ी वड्डी चुनौती आ समुची पंजाब दी लीडरशिप वास्ते, ना सिर्फ पोलिटिकल लीडरशिप वास्ते बल्कि किसान अंदोलन दे जिहड़े संचालक ने उन्हां वास्ते भी चुनौती आ कि जे आपां इदां ही अपने नौजवानों नूं पुलिस दे रहमो करम ते ते दिल्ली सरकार दे रहमो करम ते बीजेपी दी सरकार ते छड्ड दित्ता तां फिर मैं समझदा कि उन्हां दे नाल ज़्यादती होवेगी। हो सकता इन्हां लोकां नूं दीप सिद्धू नूं भी उन्होंने मैडिकली फिजिकली टॉर्चर किया होवे या मैंटल टॉर्चर किया होवे, पर मैं समझदा कि अपने सब का यह नैतिक फर्ज बनता वा कि आपां इन्हां नूं डिफेंड करिए सब नूं।